सपोज ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमको विटर्बी डिकोडिंग करनी है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें कॉन्वोल्यूशनल कोड का डायग्राम दिया होगा, कॉन्वोल्यूशनल कोडर का डायग्राम दिया होगा, जो ये है हमारा जो गिवन है। यहाँ पे M1 और M2 जो है हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है, और जो स्मॉल m है वो हमारे इनपुट को स्टोर करने वाले स्टेट है। तो M1 और M2 दो फ्लिप फ्लॉप हैं जो हमारे डेटा स्टोर करते हैं, और क्योंकि हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप है जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी चार स्टेट्स पॉसिबल होंगे। वो चार स्टेट हमारी यहाँ पे गिवन है 00, 01, 10 एंड 11। 00 को हमने एक स्टेट मेंशन कर दिया ए, 01 को एक स्टेट मेंशन कर दिया बी, 10 को स्टेट मेंशन कर दिया सी, 11 को स्टेट मेंशन कर दिया डी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे चार स्टेट्स पॉसिबल हैं। अब जो भी इनपुट यहाँ पे आएगा, इनपुट सबसे पहले इस एम की जगह स्टोर होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये वाला टेबल हमारा गिवन है, इसको हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल। स्टेट ट्रांजिशन टेबल में इनपुट और प्रेजेंट स्टेट के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट के लिए हमारा डायग्राम बनता है। तो सबसे पहले जो हमारे मैन, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चार्ट में अभी देखा था, यहाँ पे M1 और M2 यहाँ पे दो बिट के हैं, दैट्स वाई हमें यहाँ पे दो बिट का प्रेजेंट स्टेट लेना पड़ेगा। तो हमने ये टेबल बनाया, प्रेजेंट स्टेट को दो बार लिखा है क्योंकि इनपुट दो आने पॉसिबल है, 0 और 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने इसको चार पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। तो जैसे जैसे इनपुट यहाँ पे ऐड होते जाएगा, इनपुट यहाँ पे आते जाएंगे, उस इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेट बना लिया है। जैसे हम पहली वाली लाइन को अगर कंसिडर करें, अगर यहाँ पे 00 है प्रेजेंट स्टेट और ए इनपुट आता है, तो अगली बार ये जो लास्ट वाले बिट है ये हट जाएगी और स्टार्टिंग और फर्स्ट वाले बिट मिला के हमारे नेक्स्ट बिट बन जाएगी। वैसे ही सेकंड में आप देख लीजिएगा, सपोज़ हमारे 00 हमारी प्रेजेंट स्टेट है, तो जब इनपुट आएगा 1, तो 1 और 0 को मिला के हमारी नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी, जिसको हम सी मेंशन कर रहे हैं। ऐसा हमारा नेक्स्ट स्टेट वाला पूरा टेबल एक बन के तैयार हो जाएगा। और जो आउटपुट है, आउटपुट भी हमको जो भी हमने प्रीवियसली जो हमने देखा था इस गिवन डायग्राम के, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट निकालना होगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आउटपुट निकालना होगा। जैसे अगर यहाँ पे इनपुट में है 0 और प्रेजेंट स्टेट में है 00, तो हमें यहाँ पे M की जगह 0 रखना होगा प्रेजेंट स्टेट में, और M1 और M2 की जगह भी 00 रखना होगा। तो जब तीनों बिट 00 होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें X1, X2, X3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हमको इस टेबल में भरना है, और वो हमारे आउटपुट के लिए वैल्यू हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक पूरा टेबल बन के तैयार हो जाएगा। जब ये हमारा टेबल बन के तैयार हो जाएगा, स्टेट ट्रांजिशन टेबल, तो स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स के थ्रू हम लोग कॉन्वोल्यूशनल कोड रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके यूज़ करते हैं, दो मेथड्स यूज़ करते हैं। वन इज़ द स्टेट डायग्राम अप्रोच, दिस वन इज़ द स्टेट डायग्राम अप्रोच, एंड अनदर वन इज़ ट्रेलिस डायग्राम। ये हमारा ट्रेलिस डायग्राम का एक रफली कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ये हमारा ट्रेलिस डायग्राम हो गया। तो अगर हम लोग स्टेट डायग्राम अप्रोच को देखें, तो क्योंकि हमारे पास चार स्टेट पॉसिबल थी, तो मैंने चारों स्टेट को ब्लॉक्स में कवर कर लिया, 00, 01, 10 एंड 11, इसको मैंने ABCD के नाम से मेंशन कर दिया। अब अगर मैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल को देखूंगा, तो जब अगर हम लोग प्रेजेंट स्टेट ए में है और इनपुट हमारा 0 आता है, प्रेजेंट स्टेट ए में है और इनपुट हमारा 0 आता है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट भी ए ही रहेगी। तो इसलिए हमारा जो भी स्टेट डायग्राम का सर्कल है वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और इस समय पहली वाली लाइन में आउटपुट हमारा 00 है, तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट मेंशन करेंगे। वैसे ही जब हम लोग प्रेजेंट स्टेट में ए में है, इनपुट 1 आता है, तो हम लोग सी में चले जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्टेट डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम लोग प्रेजेंट स्टेट ए में है, इनपुट 1 आता है, तो हम लोग सी में आ जाते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरे स्टेट डायग्राम का टेबल बन जाएगा। इसी को अगर मुझे बाय यूजिंग ट्रेलिस डायग्राम रिप्रेजेंट करना है, तो ट्रेलिस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो ए का ट्रांजिशन होता है, 0 का ट्रांजिशन होता है, उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो 1 का ट्रांजिशन होता है, उसको हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अगर हम लोग प्रेजेंट स्टेट ए में हैं और इनपुट 0 आता है, तो हम लोग ए में ही रहते हैं। तो प्रेजेंट स्टेट में हम लोग हैं, इनपुट 0 आ रहा है, तो क्योंकि इनपुट 0 आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया। जब इनपुट हमारा 1 आता है, तो उसको हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
तो अब अगर मुझे कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करना है तो उसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। उनमें से एक मेथड होता है पॉलिनोमियल अप्रोच, उसको हम लोग ट्रांसफर डोमेन अप्रोच भी कहते हैं। ये हमारा ट्रांसफर डोमेन अप्रोच है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ट्रांसफर डोमेन अप्रोच में सबसे पहले हम लोगों को जनरेटर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी पड़ती है। जनरेटर पॉलिनोमियल दैट इज़ G1, G2, G3 जो हमारे यहाँ पे मेंशन है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की गई है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको जो भी हमारा प्रीवियस जो डायग्राम था, जो क्वेश्चन में गिवन रहता है, हमें इस डायग्राम को देखना होता है कि X1 फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ M रिस्पॉन्सिबल है, X2 फाइंड आउट करने के लिए M और M2 दो रिस्पॉन्सिबल है, और X3 फाइंड आउट करने के लिए M और M1 दो रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर X1 फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ M रिस्पॉन्सिबल है तो X1 के लिए जनरेटर पॉलिनोमियल होगा 100, X2 के लिए जनरेटर पॉलिनोमियल होगा 101, X3 के लिए जनरेटर पॉलिनोमियल होगा 110। ठीक है, तो जो भी डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग हमने जनरेटर पॉलिनोमियल निकाल लिया। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने जनरेटर की वैल्यू निकाल ली है, तो जनरेटर पॉलिनोमियल मतलब जो भी बिट है इसको पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट करना। तो हम यहाँ पे जो भी हमारी MSB से रीड करना स्टार्ट करते हैं। MSB 1 है तो यहाँ पे 1 मेंशन कर दिए, G2 का वो यहाँ पे 101 है, तो इसको हम लोग 1 + 0 + P² मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों को MSB साइड से आप लोगों को इसको लिखना स्टार्ट करना है। तो जब हमारी जनरेटर पॉलिनोमियल बन जाती है तो जो भी मैसेज है मैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग कोड वर्ड पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये मैसेज पॉलिनोमियल है, जनरेटर पॉलिनोमियल है, मैसेज पॉलिनोमियल जनरेटर पॉलिनोमियल के बीच में ये हमारा mod 2 ऑपरेशन है। एक्चुअली ये प्लस नहीं, ये mod 2 ऑपरेशन है। दोनों के बीच में जब mod 2 ऑपरेशन किया जाता है तो हमें कोड वर्ड मिल जाता है। तो पहले जनरेटर पॉलिनोमियल का यूज़ करके हम लोग पहला कोड वर्ड निकालेंगे जो हमारे यहाँ पे गिवन है, दूसरे जनरेटर पॉलिनोमियल का यूज़ करके दूसरा कोड वर्ड निकालेंगे, तीसरे जनरेटर पॉलिनोमियल का यूज़ करके हम लोग तीसरा कोड वर्ड निकालेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो जब ये पूरे कोड वर्ड निकल जाएंगे हमारे तो हमें यहाँ पे 3 कोड वर्ड मिल जाएंगे। तो जब हमें कॉन्वोल्यूशनल कोड को रिप्रेजेंट करना होगा तो तीनों की पहली बिट को हम लोग लेंगे, जैसे X1 के पहले बिट है 1, X2 के पहले बिट है 1 और X3 के पहले बिट है 1। तो हमारा पहला कॉन्वोल्यूशनल कोड हो जाएगा 111। वैसे ही नेक्स्ट टाइम सबकी सेकंड बिट लेंगे, उसके बाद सबकी थर्ड बिट लेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग हमें पूरा कॉन्वोल्यूशनल कोड बनके तैयार हो जाएगा। अब जब कॉन्वोल्यूशनल कोड हमारा तैयार हो जाता है, जब भी हमारा कॉन्वोल्यूशनल कोड बन जाता है तो कॉन्वोल्यूशनल कोड को हम लोग कॉन्वोल्यूशनल कोड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट हो गया। सपोज अगर हमें विटरबी डिकोडिंग करनी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है।